बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है बड़े पाए। बड़े पाए मैंने 1.5 किलो लिए हैं और इनको मैंने बॉईल किया है 10 मिनट के लिए। बॉईल करने के लिए मैंने इनको बर्तन में फुल पानी करके जितने में ये डीप हो जाए, डीप करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप मैंने सिरके का डाला है और 1 चम्मच मैंने नमक डाल के इनको 10 मिनट के लिए बॉईल किया है। ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि इसकी जो अपनी है इसकी घी वगैरह होता है जो वो निकल जाएगा, इसलिए सिर्फ 10 मिनट इसको बॉईल करना है। और अब इसको हम बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो है 1/2 किलो मैंने प्याज लिया है, 10 से 12 मैंने मिर्चें ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, अदरक का पेस्ट लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है और खुश्क धनिया लिया है साबुत, इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये कलवंजी ली है, काली मिर्च ली है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला पिसा हुआ और टमाटर मैंने लिए हैं 1 पाव। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे जो मैंने काट के रखा हुआ है, मिर्च जो चॉप करके रखी थी वो डालेंगे, उसके बाद टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए हैं वो डालेंगे, अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें अदरक का पेस्ट, और लहसुन का मैंने पानी निकाल के रखा हुआ है वो डालूंगी, वो भी 2 टेबल स्पून ही लेना है आपने। अदरक का पेस्ट लहसुन का पेस्ट ले लें चाहे लहसुन का पानी निकाल लें वो डालें। उसके बाद हल्दी है, हल्दी 1 टेबल स्पून हल्दी डालूंगी और 1 टेबल स्पून मैं बाद में जो तड़का लगाना है पायों को उसके लिए रखूंगी। और 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी, मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं, और धनिया और अजवाइन को मैं ग्राइंड करके डालूंगी। ये मैंने खुश्क धनिया और अजवाइन को पीस लिया है 1-1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच हैं। अब हम इसको पानी डालेंगे, इसमें हम उतना ही पानी डालेंगे कि जिससे ये डीप हो जाए, इनको डीप करना है हमने। इसको हम इतना पानी डाल देंगे जिससे ये डीप हो जाए। और हम इसको 40 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगी। ये मैंने वेट लगा के रख दिया है, 40 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ आके। अब हम पाए को तड़का लगाने के लिए एंड पे जिन चीज़ों की जरूरत होगी उसको तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1/2 किलो योगर्ट लिया है, योगर्ट में हम मसाले ऐड करेंगे, जो मैंने अजवाइन और धनिया जो बचा था ग्राइंड किया हुआ वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, और गरम मसाला। गरम मसाला जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और उसके बाद जीरा, सारी चीज़ें ग्राइंड करके रखी हुई हैं वो 1/2 टेबल स्पून में ऐड करूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है।
40 मिनट हो गए हैं, अब हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। देखें हमारे फ्राई गल चुके हैं, देखें कितने अच्छे से गल गए हैं, ये देखें कितने अच्छे से गल गए हैं। देखें अब हम इनका इनको तड़का लगाने के लिए मसाला रेडी करेंगे। इसमें हम अब हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। इसका खुद का भी बहुत ऑयल निकलता है, पाए हैं पाए का अपना कुदरती तौर पे बहुत ऑयल होता है, लेकिन हमें ऑयल फिर भी ऑयल डालना है इसको, चाहे आप एक्स्ट्रा हो जाए और उसको बाद में निकाल लें, लेकिन पहले जरूर ऐड करना है। तड़का लगाने टाइम आपने इसमें ऑयल जरूर ऐड करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप बाद में उतार सकते हैं सालन से और उसको किसी और भी खाने में यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे हम ऑयल को। ये हमने जो दही का पेस्ट बना के रखा था, दही का जो पेस्ट बना के रखा था सारी चीजें मिक्स करके, वो देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। ये ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें जो ये योगर्ट मैरिनेट किया हुआ है इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे, अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए अब हमारा ऑयल गरम हो रहा है। जब तक मेरा यहाँ ये ऑयल गर्म हो रहा है तब तक आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और अगर आपको किसी और रेसिपी की जरूरत है तो आप मुझे जरूर बताएं, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आऊंगी। देखिए अब ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये दही जो है हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छे से जब ये जोश आने लग जाए, दही अच्छे से जोश आने लग जाए, थोड़ा थोड़ा और घी जो है अलग-अलग से हो जाए, तो फिर हम इसमें पाए जो बना के रखे हैं वो डाल देंगे। जोश आ गया है इस दही को जो हमने रखा हुआ था, अब इसमें हम पाए ऐड करेंगे। ये देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा, ये हमारे पाए देखिए कैसे कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये थोड़ी देर और पकेंगे अभी इसमें। इसके ऊपर हम ये हरी मिर्च ऐसे गार्निश के लिए हरी मिर्च डाल देंगे। यही हमारा डिश आउट है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।